अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसेस खान का किचन। आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे पहाड़ी चिकन लेग्स फ्राई रेसिपी। ये बहुत ही बेस्ट एवर चिकन ड्रमस्टिक की रेसिपी है। बहुत ही जूसी और टेस्टी चिकन टंगड़ी फ्राई भी हम इसे बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर चिकन के लेग्स। इसमें हम 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टीस्पून हम हरा मसाले का पेस्ट ऐड करेंगे, कोथमीर पुदीना और हरी मिर्ची का पेस्ट है ये, 1 टीस्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे, 1/2 लेमन का जूस ऐड करेंगे। चिकन पहाड़ी ग्रीन कलर का होता है, इसलिए हमने इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून हम इसमें प्योर घी ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी लाइट हल्दी ऐड करेंगे और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। आप चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अभी सब स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से चिकन के लेग्स पर लगा लेंगे। अलट पलट करते हुए कट्स, चिकन के कट्स में भी हम मसाले को लगाएंगे ताकि फ्लेवर अंदर तक अच्छे से जा सकें। ये बहुत ही स्पाइसी और जूसी चिकन लेग्स फ्राई बनते हैं, या फिर हम इसे चिकन ड्रमस्टिक बोल सकते हैं, या फिर चिकन टंगड़ी फ्राई बोल सकते हैं। हम बिना ओवन के ये आपको बनाना बता रहे हैं। अभी हम इसे रेस्ट होने के लिए रखेंगे 30 मिनट के लिए। अलट पलट करके हम अच्छे से इसे सारा मसाला लगा लिए हैं। अभी इसे कवर कर देंगे, कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे। दोस्तों 30 मिनट के बाद अभी हम इसे फ्राई करेंगे। हमने एक पैन में तेल गरम होने के लिए रखा है, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने ऑयल गरम होने के लिए रखा है। अभी ये मैरिनेट किए हुए चिकन के लेग्स को इसमें डाल देंगे। 4 से 5 मिनट तक हम एक साइड से फ्राई करेंगे इस तरह से। मीडियम फ्लेम पर ही हम सारा फ्राई करेंगे। एक साइड फ्राई होने के बाद टर्न कर दूसरी साइड से भी हम 4 से 5 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। इसे हम कवर कर भी 4 से 5 मिनट तक एकदम मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे। दोस्तों हमारा पहाड़ी चिकन लेग फ्राई बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। हम इसे सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, दही की हरी चटनी के साथ, या केचप के साथ। ये बेस्ट एवर चिकन ड्रमस्टिक है। बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी है चिकन की टंगड़ी बनते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।